चरण विजा से और मैं डॉक्टर से मेरा तबियत है और मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल में था, मैं जॉब करता था और फार्मासी में कंप्लीट हुआ होम्योपैथी की तरफ और आजादी तौर पर और पिछले 20 साल भी गुजार दिए और बड़े खूबसूरत गुजारे और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप एज होम्योपैथी डॉक्टर किसी से बात करते हैं और देखिए बेसिक जो सेहत की सुविधाएं हैं ना वो फ्राउम करना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम आइन के मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर इन तमाम मामला में गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। एज होम्योपैथिक डॉक्टर हम किसी भी तरीके इलाज के खिलाफ नहीं है, हम मिलकर अवाम की जो बेहतरी है उसके लिए काम करते हैं। तो इसलिए होम्योपैथिक जो है वो आज के साइड इफेक्ट के हवाले से अमेरिका में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल की वजह से लाखों लोग रोजाना मतलब पर एनम जो है डेथ हो जाती है। आप जो मेडिसिन लोगों को देते हैं और उसकी वजह से लोगों को साइड इफेक्ट भी नहीं होती और बड़े हॉलिस्टिक तरीके से जो है उनको शिफायाब भी मिलती है, तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत काम है। तो दैट्स व्हाई मैं आप तमाम दोस्तों को जो है उनको वेलकम करता हूँ उस प्रोग्राम में और बड़ी खुशी की बात है और इंशाल्लाह मैं एक दूसरे से सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। बाकी ये कि मैं स्कॉलर हूँ, मैंने एम फिल साइकोलॉजी में, मैंने एम बी ए भी किया हुआ है मार्केटिंग में और बी एच एम एस भी किया हुआ है, तो ये जन बात है। तो हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं एलर्जी की। एलर्जी होती क्या है जैसे अभी मैंने आपसे बात की। अच्छा, ये आर्टिकल है, ये मैंने लंदन का एक कॉलेज है उसकी रिसर्च है, ये भी आपके सामने जो आप नजर आ रही जी। और ये कोई एक हफ्ता पुरानी बात है कि उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में जो बच्चों की एलर्जी है ना उसमें डे बाई डे ज्यादा हो रहा है कि बच्चों को आप कोई चीज़ देने से डरते हैं कि यार अगर ये चीज़ उन्होंने खा ली तो ये उनकी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे मिसाइल पैदा हो सकते हैं। अब एलर्जी मतलब है कि हमें ये बात पता चल गई। अब ये जो रिसर्च है ये है भी इंग्लैंड की और ये एक उनका डॉक्टर एलेक्जेंड्रा है, उन्होंने ये मतलब रिसर्च किए और सैकड़ों बच्चे जो हैं वो डेथ की तरफ चले जाते हैं। हम ही समझते हैं एलर्जी तो है कि बॉडी के ऊपर इचिंग होगी, स्नीजिंग होगी, थोड़ा सा नजला जुकाम और इस तरह की कोई सिम्टम्स आ गई तो हमने कहा जी एलर्जी है चलें दवाई दे देते हैं, अच्छे से खा लें तो बात खत्म हो जाती है। बात खत्म नहीं होती, यहाँ से तो बात शुरू होती है। अब फूड की एलर्जी, अच्छा देखें तीन सोर्सेज हैं एलर्जी जब भी होगी उसकी जो मेन सोर्सेज हैं वो तीन हैं, या आप कुछ खाएंगे या हम कुछ खाएंगे या पेशेंट खाएगा या कोई भी एनीथिंग, या वो कुछ चीज़ स्मेल करेंगे या स्किन पे कुछ लगाएंगे, ये तीन रूट हैं। ये तो आप अपने पास पकड़ लें कि जब भी कोई एलर्जी का मरीज आएगा तो तीन बातें होंगी, या उसने कुछ खाया होगा, या वो उसने कुछ स्किन के ऊपर कुछ लगाया होगा, या उसने किसी चीज़ को स्मेल किया होगा। ये तीन रूट हैं, इनके थ्रू जब भी कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाती है, अब वो चीज़ क्या है उसको हम कहते हैं एलर्जन। एलर्जन वो चीज़ है जिसकी वजह से एलर्जी पैदा होती है। अच्छा, अब एलर्जी मतलब स्पेशली अगर हम बात करें कि होती क्यों है, तो किसी भी एक मखसूस चीज़ के साथ ये बहुत सारी हो सकती है हमारी बॉडी का एक एबनॉर्मल रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन कि वही चीज़ कोई और बंदा खाए उसको कुछ ना हो, यानी वो चीज़ कोई नुकसानदेह नहीं होगी, लेकिन वही चीज़ जो आम लोग खाते हैं उनको कुछ नहीं होता, वही अगर कोई मखसूस बंदा खा लेगा तो उसके साथ मामला पैदा हो जाएंगे। इससे यहाँ पर एक बात समझ आ जाती है कि प्रॉब्लम जो है वो उस चीज़ में नहीं है। अगर उस चीज़ में प्रॉब्लम हो तो फिर तो ये है कि अगर मूंगफली से एलर्जी है तो फिर तो पेशावर के तमाम लोगों को एलर्जी होनी चाहिए, एक मखसूस जो ग्रुप है उसको उसके साथ हसासियत होती है बाकी लोगों को नहीं होती। अब अगर हम मूंगफली की बात करें तो एक फूड आइटम है ना, खाने की चीज़ें, अब इसका मतलब है कि ये नुकसानदेह तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का उसके साथ कंपेटेबिलिटी जो है वो बनती नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि इस हमारे जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं ना, ब्लड ग्रुप्स हैं, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव का ग्रुप से कोई तलक नहीं है, ये फैक्टर होता है, चाहे वो बी ग्रुप है, चाहे वो ओ है, चाहे वो ए बी है, इन ग्रुप के साथ आप गिजा को स्टडी करें, इंटरनेट पे जाएं, आप ये देखें कि अगर ये फलां जो ग्रुप है ना उसके साथ कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कंपेटेबल हैं, मुआफ़क हैं, और कौन कौन सी जो है मुआफ़क नहीं है, तो आपको वहाँ से आप फिर आप बेहतर तरीके से अपना जो पेशेंट है ना उसको डील कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आप जब हम किसी को मतलब प्रेस बता रहे होते हैं तो हम ऐसे ही कह देते हैं अच्छा फलां 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 इस्तेमाल ना करें, लेकिन प्रेस का तलब जो है ना वो हमारे ब्लड ग्रुप के साथ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। अच्छा देखिए, जो एलर्जी है बच्चों को स्पेशली किससे, दूध से एलर्जी होगी, अंडे से एलर्जी होगी, मूंगफली से एलर्जी होगी, अखरोट चलगोजे से एलर्जी होगी, तिलों से एलर्जी होगी, मछली से और ये गुंडे वगैरह। देखिए अब इसमें तमाम दुनिया की जो रिसर्चेज है ना वो सारे इंटरप्ट हो चुके हैं। यार एलर्जी होती क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये तो सबको पता है, लेकिन वो परेशान है कि यार ये क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है। एक तो आप ये देखें ना कि हमने छोटी से छोटी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हाई फाइव मेडिसिन बना दी। हम इंसान में जो जिस्म है ना उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसका जो रिएक्शन है, काम करने का तरीकाकार है, हम उसको काम करने नहीं देते। जरा सी बात आई हमने दवाई दे दी, जरा सा कोई प्रॉब्लम आया हमने दवाई दे दी। अब थोड़ी सी बात है, पुराने जमाने में जब घरों में कोई बुखार वगैरह होता था या इस तरह की कोई मुबलाद होते थे तो क्या होता था, कोई यखनी बनती थी, कोई सूप बनता था, कोई अंडे वगैरह पकते थे, कुछ और इस तरह की बातें होती थी। अभी क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा मसला हुआ फोन आ जाता है, फलां दवाई ले जाता है, ऐसे ही है, नाम नहीं लेता दवाइयों का। लेकिन ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो गया। अब इम्यून सिस्टम जो है वो दो तरह का, एक इम्यून सिस्टम वो है जो कुदरत हमें देती है और एक इम्यून सिस्टम वो है जो हम उनको एक्वायर करते हैं और वो हमें एनवायरमेंट देती है। देखिए कुछ लोग महसूस आप देखेंगे, कुछ ये बच्चे जो ढेरों पे वो कूड़ा वगैरह चुन रहे होते हैं और वो गंदगी में काम कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे मामला के साथ उनका सामना होता है, आप देखिए उनके जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें हमारे बच्चे हैं उनको बहुत पैम्पर्ड कर देते हैं और बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा हर वक्त, तो आप ये देखिए उनको जरा सा भी कोई इशू होता है तो वो लोग जो है वो किसी भी एलर्जी या किसी भी बीमारी के जो जल्दी शिकार हो जाते हैं। अच्छा अब जैसे एलर्जी हमने बात की, एलर्जी क्या है, एलर्जी is an immune system response to a foreign substance that not typically harmful to your body. These foreign substances are called allergen. अब देखिए अब वो क्या हो सकते हैं, फूड हो सकता है, पोलन हो सकता है, जो पेट्स हैं उनके साथ जैसे उनके फर हो सकते हैं, उनके बाल हो सकते हैं और उनके साथ हार्मफुल पैथोजेंस हो सकते हैं जो किसी भी जो जिसम है उसके अंदर जो है वो एलर्जी पैदा कर सकते हैं। फिर एलर्जी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, मोस्टली आपने ये सुना होगा डस्ट एलर्जी होती है, ड्रग एलर्जी है, फूड एलर्जी है, इंसेक्ट एलर्जी है, जैसे कोई चीज़ काट ले तो एलर्जी हो जाती है, लेटिस एलर्जी है जैसे ये मसनूई जो केमिकल से चीज़ें होती है, उसके अलावा मोल्ड एलर्जी है जैसे हम वो कहते हैं ये फफूंदी जो उसके साथ एलर्जी होती है, पेट एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी है, मोटी मोटी चीज़ सुनी है। अच्छा एलर्जन क्या होता है, एक वर्ड है एलर्जन, एलर्जन वो चीज है जिससे एलर्जी पैदा होती है। और जैसे आपने बात की ना कि हार्मफुल नहीं होता लेकिन उसी से किसी को नहीं होगी किसी को हो जाएगी, और यहां से ये बात समझ आती है कि एलर्जन ज्यादा कुछ कुछ नहीं है जब तक बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे। अगर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वही चीज आपके लिए ठीक है, अगर बॉडी हद से बढ़ के रिस्पॉन्ड करती है तो वो आपके लिए एलर्जन है और वो नुकसान है। अच्छा अभी हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है। हमारी बॉडी को अल्लाह पाक ने बहुत जबरदस्त डिफेंस सिस्टम से नवाजा है और वही बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको खत्म करता है। जैसे हमारे घर की चार दीवारी है, एक गेट लगा हुआ है, अगर हमारे घर में कोई ऐसा बंदा बगैर इजाजत के अंदर दाखिल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, नहीं रोकते तो हम उसको मारते हैं, आउट करते हैं अपने घर से। तो ये काम हमारे डिफेंस सिस्टम का, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, जब हम खुद ही अपने घर वालों को मारना शुरू कर दें, हमारी जो बॉडी की वो फोर्सेस हैं जिनका काम ये है कि जो बैरूनी हमलावर हैं उनको रोकना, वो जब हम बॉडी को खुद ही खत्म करना शुरू कर देती हैं तो फिर आप ये समझिए कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है ना वो पागल हो गए। तो जब ये एक्टिविटी बॉडी के अंदर जनरेट होती है तो फिर ये है कि आप ये देखते हैं कि उस वक्त आप चाहे वो आर्थराइटिस है वो आएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम उसको बोलेंगे, आप देखेंगे डायबिटीज आएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। 80 से ज्यादा ऐसी बीमारी हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ रिलेटेड है और हम इम्यून सिस्टम को ठीक करने के काबिल नहीं है। जाहिर है जब आप मटेरियल डोज देंगे वो तो ठीक नहीं होगा, होम्योपैथी इस हवाले से आपकी बहुत बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। और स्पेशली मैं आपको बताऊंगे जो हमारी इम्यून सिस्टम को मतलब मैं उस हवाले से बेहतरीन जो मेडिसिन है
और उस पे तीनों दीगर आदमी मुतफिक हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और हिकमत, और वो है आपकी इकिनिशिया, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल है। तो आप किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ, इवन आर्थराइटिस में अगर आप इसको दें, या एजोस्पर्मिया में, या इस तरह की जितनी मामलात हैं जिनमें आपको ये लगता है कि, या ये प्रूवन बात हो जाती है कि जो इम्यून सिस्टम है वो इसके साथ डिस्टर्बेंस है, तो ये आपकी मेडिसिन जो है इम्यून सिस्टम को ठीक करनी चाहिए। अब जो कि इम्यून सिस्टम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन्स पैदा हो जाती हैं जो आपके जिस्म के खिलाफ ही काम करने शुरू करते हैं। तो जब हमारा डिफेंस सिस्टम ये जज करना भूल जाता है कि ये जो बाहर से आया हमलावर है इसको मारना है, या बॉडी के अंदर जो चीज़ें उनको मारना है, तो इसके अंदर जितनी बीमारियाँ आती हैं उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब जहाँ बात हो रही है एलर्जी की, तो जब हमारा इम्यून सिस्टम देखते हैं कि बाहर से एक चीज़ आई है और उसके अगेंस्ट एक शदीद किस्म का रिएक्शन वो शो करता है, तो फिर एक एलर्जन के खिलाफ, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको मतलब कवर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। हम हमारे पास मोस्टली क्या होता है, सिम्टम्स या तो स्किन के साथ एलर्जी के साथ लोग आ जाते हैं, या कोई चीज़ खाई है उसके साथ आ जाते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्लम क्या होता है कि अर्टिकेरिया होता है, स्नीजिंग होती है, फ्लू टाइप लाइक सिम्टम्स होते हैं, या हम कहते हैं यार एलर्जी हो गई है, तो चलिए एलर्जी के ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये देखें कि म्यूकस मेम्ब्रेन, आप देखें कि आपके डिफेंस सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम है, उसके साथ उसके एक बहुत बड़ा पार्ट है। टॉन्सिल्स जो है गले के चौकीदार हैं, आपके इम्यून सिस्टम में इनका बहुत बड़ा रोल है। लिम्फेटिक वेसल्स हैं, आप देखिए हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे जो आपको रेड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ जगह पे लिम्फ नोड हमारे बने होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक चीज ऐसी जो जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है, ये इसको खा लेते हैं। जब इनके अंदर स्वेलिंग होती है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो जिस्म के लिए नुकसानदेह थी, इन्होंने उसको खा लिया। अच्छा, उसके बाद आप थाइमस ग्लैंड्स, स्किन, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक वेसल्स एंड बोन मैरो, ये सारी वो चीजें हैं जिनका हमारे डिफेंस सिस्टम के साथ अलग है। अब आप सिर्फ बोन मैरो को देख लें कि बोन मैरो के साथ जब उसके अंदर इंफ्लेमेबिलिटी आती है, या बोन मैरो, अच्छा इस तरह की बहुत सारी एलोपैथिक में मेडिसिन है जो आप दें तो जो बोन मैरो है वो स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन आप सुनेंगे यार ये तो नुसाती टर्म नहीं है, यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल होगी। डिप्रेशन का मतलब है कि किसी भी काम के अंदर कमी का हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो खाना खाता है और अच्छा खासा खाना खा लेता है, जब वो अपने खाने के अंदर कमी आ जाती है उसकी किसी वजह से, आपसे में खाने के अंदर डिप्रेशन आ गया। एक बंदा बहुत ज़्यादा हंसता है या खुश होता है, तो वो खुश होना खत्म कर देता है, ये डिप्रेशन है। एक बंदा बहुत ज़्यादा वॉक करता है, उसमें वॉक में कमी आ गई। एक बंदे की जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आ गई। आपके पास जितने पेशेंट आते हैं, अगर किसी भी काम के अंदर उनकी कमी आ जाती है, तो इसको हम डिप्रेशन कहेंगे। बोन मैरो अपना काम करता है, ये किसी भी दवा के इस्तेमाल के बाद अगर बोन मैरो ने अपना काम करना काम कर दिया, आप देखिए आपके सारा इम्यून सिस्टम और ब्लड के साथ रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां ये जो है इसके साथ रिलेटेड आ जाती हैं। और आपके पास कमाल की ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बोन मैरो की इस फंक्शन को विध्वस्त करती हैं, और मैं एक मेडिसिन आपको बताता हूँ, आप लोटस मटेरियल मेडिका को खोल के पढ़ें, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, और वो मेडिसिन है आपकी सिलीनियम। सिलीनियम बोन मैरो के बहुत सारे मसाइल को ठीक करती है। अच्छा, आगे चलें, याद है, ठीक है, चलें। कोई सवाल? लास्ट में देखो, नहीं अगर सवाल आए हम पर करना चाहते हैं तो करें। हम बोन मैरो के हवाले से आपने बड़ी अच्छी बात की है। बोन मैरो में अक्सर जब डिप्रेशन होते हैं, एनीमिया के हवाले से जब बात की जाती है, क्या सिलीनियम उसमें भी बेस्ट काम करेगी? देखिए ये जनरलाइज्ड एक मैंने उसमें पढ़ा लोटस में, तो बोन मैरो के साथ सिलीनियम का आपस में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। इवन आप देखते होंगे कि हेयर फॉल में सिलीनियम दी जाती है जी, और बहुत सारे सेक्सुअल मसाइल में सिलीनियम दी जाती है। बिल्कुल, अब सिलीनियम जो है वो बेसिकली थायराइड ग्लैंड की मेडिसिन, वो थायराइड पे काम करती है, और थायराइड के अंदर जब वो बेहतरी लाती है तो अगर आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल ठीक होना शुरू हो जाते हैं, अगर आप बाकी कोई सेक्चुअल इश्यूज हैं तो वो उसको बेहतर कर देती है। तो उसी तरह बोन मैरो के अंदर भी अगर इश्यूज बनते हैं तो सिलीनियम आप एज ए इंटरकरंट के तौर पर भी दे सकते हैं और एज ए स्पोटो मेडिसिन भी दे सकते हैं। फिर आप ये देखें ना, ये एक एलिमेंट है, तो ये जिस्म के अंदर बहुत सारी जो कमियाँ उनको दूर करता है। इस पर अभी मैंने आपको एक वो हिंट दे दिया, इस पर भी बहुत सारा काम हो सकता है, क्योंकि बोन मैरो में अभी बोन मैरो के नाम के अलावा मेडिसिन हमारे पास कोई इस तरह नहीं थी जो मेरे इलम में होती। तो चूंकि अब जैसे थायमस ग्लैंड से मेडिसिन बनती है, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है।
अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक कर दें तो आपकी एलर्जी तो यहीं फारग हो जाएगी। द मेन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम जैसे अभी हमने बात की व्हाइट ब्लड सेल्स का तलक हमारे इम्यून सिस्टम के साथ है। एंटीबॉडीज जो हैं उनके तलक ज़ाहिर है जब एंटीजन बाहर से जाते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। कम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, बोन मैरो, थायमस ग्लैंड अभी जैसे हमने बात की। अच्छा फिर ज़ाहिर है ये तो सिस्टम आ गया, अब इसके अंदर लिम्फ ऑर्गन भी है, अब जैसे बोन मैरो है, थायमस है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज हैं। अब सवाल है कीजिए मैं अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ जनरलाइज्ड विदाउट मेडिसिन, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि जी स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, देखें अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके साथ बोन मैरो का इशू है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या एलर्जी का है, तो आप जनरलाइज क्या है स्मोकिंग अगर वो कर रहे हैं तो आप उसको मना कर दें तो डेफिनेटली उसका जो ये प्रॉब्लम है उसमें बेहतरी आएगी। फिर उसकी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल आप ला सकते हैं, एक हेल्दी अगर वो लाइफ गुजारेगा तो उसकी जो डिफेंस सिस्टम है बेहतर होगा। एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन हेल्दी वेट। अच्छा अगर वो अल्कोहल पी रहा है या इस तरह की जो लाइफ है वो गुजार रहा है तो उसको अगर छोड़ देगा तो उसके अंदर बेहतरी आएगी। अगर नींद की कमी है तो ये सारी चीज़ें मिल गया इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रही होती है। अच्छा ये इम्यून सिस्टम है पूरा, ये इसका डायग्राम है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अगर हम ये बात करें एलर्जी में कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो एलर्जीज है दुनिया में वो कौन सी हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एलर्जी किससे? अंडों से एलर्जी। सेकंड क्या है? ट्री नट्स, ये जितने भी हैं चलौंजे हो गए, ये काजू हो गए, अखरोट हो गए, इन सब पीनट से एलर्जी है। और शेल फिश से एलर्जी है, गंदम से एलर्जी है, सोया से एलर्जी है, फिश से एलर्जी है, ये हाईएस्ट एलर्जी हैं वर्ल्ड दुनिया में। अच्छा अब हमें कैसे पता चलेगा जी कि मुझे एलर्जी है? फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ खाई और आपको नाक से पानी बहना शुरू हो गया, बॉडी के ऊपर अर्टिकेरिया स्टार्ट हो गया, तो आपको लगना चाहिए कि ये सिम्टम में भी मैं इससे अफेक्टेड हूँ। अब होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इम्यून सिस्टम के हवाले से वो कौन कौन सी हैं, इस पर मैंने एक रिसर्च उठाई तो उस बंदे ने खैर तो लंबी चौड़ी है लेकिन शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने ये होम्योपैथिक ये टोटल रिसर्च बेस्ड बात होगी सारी, और उसमें उन्होंने आसानी कर दो आपकी एक ऐसी मेडिसिन है तो वो हर एलर्जी में आप उसको फिट कर सकते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि आर्सेनिक एल्बम ऐसी मेडिसिन है कि आप चाहे वो चेस्ट के सिम्टम्स हैं, चाहे वो स्किन के सिम्टम्स हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम के साथ रिलेटेड हैं, तो ये जो आर्सेनिक है वो आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एलर्जी एक चीज़ से हुई, अगले साल दूसरी से होगी, अगले साल तीसरे से होगी, अगले साल चौथे से होगी। तो आप ये देखें कि हमने जितना ये पढ़ा था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, और देखिए लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जब इश्यूज आते हैं आपकी दाढ़ी से इसको एलर्जी में खा नहीं सर ये मैंने दवाई इसको पिलाई हुई। अच्छा तो आर्सेनिक जो है वो क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है तो उससे ये उसकी एलर्जी ओवरऑल ये जनरलाइज्ड है। और ये रिसर्च पेपर था, मैंने ज़्यादा इस पर वो डिटेल में नहीं किया लेकिन आप उसे बेहतर जानते हैं आर्सेनिक एल्बम को, दैट्स वाई आप डिजाइन के अंदर ये फिट होना चाहिए। इवन दमे का कोई एस्थमेटिक एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है या स्टमक का कोई पेशेंट है, आप दुनिया भर की दवाइयाँ दे रहे हैं आप आर्सेनिक विग्रो नहीं कर सकते। और मैंने ऐसे क्रॉनिक से क्रॉनिक केस देखे हैं कि वो आर्सेनिक की वजह से अल्लाह ने उनकी शफा दी। तो आर्सेनिक जो है वो फिट होनी चाहिए और ये रिसर्च बेस्ट है। एक दो ना वैसे बात होगी मैंने तजर्बे में आती, ये तजर्बा नहीं है, ये सारी रिसर्च है, अगर लेना चाहे तो मैं इसकी दे सकता। अच्छा अभी हम एलर्जी पे जो है वो स्टेप वाइज बात करेंगे कौन सी एलर्जी जो है वो उसके लिए कौन कौन सी।